मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों को देगी मुफ्त अनाज के साथ किराए का मकान। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, देश भर के 107 शहरों में लागू होगी योजना। सोनिया गांधी के परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों पर कसेगा शिकंजा। गृह मंत्रालय ने बनाई विशेष जांच कमेटी। ट्रस्टों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई गंभीर मामले, अब होगी इंक्वायरी। कोरोना की दवा रेमडेसिविर की देश भर में कालाबाजारी की खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिया जांच और कार्रवाई का निर्देश। 5,400 रुपए कीमत के इंजेक्शन के वसूले जा रहे हैं 15,000 मुश्किल में मरीज। कानपुर एनकाउंटर केस में यूपी के चौबेपुर थाना के एसओ विनय तिवारी और एसआई के शर्मा गिरफ्तार। गैंगस्टर विकास दुबे के लिए मुखबिरी करने का आरोप, कई घंटों तक चली पूछताछ। पुणे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास राजगृह में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ के बाद मचा बवाल। गुस्से में दलित समाज, बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर की अपील, बनाए रखें शांति। सर्व जनते आवाहन करतो है कि आपण शांतता ठेवली पाहिजे। ही गोष्ट खरी आहे की राजगृहावरती दोघं जणांनी सीसी कॅमेरा आणि इतर गोष्टी तोडण्याचा प्रयत्न केला। पोलिसांनी ताबडतोबीने लक्ष घातलं। सर्वच अधिकारी त्या ठिकाणी येऊन पोचलेले आहेत। त्यांची चौकशी चालू आहे। अत्यंत चोख काम पोलिसांनी केलेलं आहे। तेव्हा सर्व तमाम जनतेने शांतता राखावी आणि राजगृहाच्या आजूबाजूला जमू नये अशी विनंती मी आपल्याला सगळ्यांना करतोय। शिवसेना छोड़कर एनसीपी में गए पारनेर के नगरसेवकों की पार्टी में वापसी। मुंबई के मातोश्री निवास में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद नगरसेवकों ने लिया वापसी का फैसला। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया आंदोलन। मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मुर्दाबाद के लगे नारे। मोदी सरकार ज्यावेळी सत्तेवर आलं त्यावेळेस या देशातील जनतेला त्यांनी एक आश्वासन दिलं होतं, स्वयंपाकाचा गॅस असेल, पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, याची आम्ही दरवाढ करणार नाही। जे दर आहे त्यामध्ये निश्चितपणानं आम्ही कमी करू। आपण मोदी साहेबांचे निवडणूकपूर्व भाषण जर आपण पाहिले तर त्यामध्ये सांगितलं की आम्ही 40-35 रुपये लिटर आम्ही डिझेल आणि पेट्रोल ठेवू। आज परिस्थिती विपरीत आहे। आज 100च्या आसपास डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती गेलेल्या आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात करवाढ होऊन राहिलेली आहे। आपण क्रूड ऑइलचे दर कमी होत असताना इकडे मात्र निश्चितपणानं दरवाढ होऊन राहिलेली आहे। म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरासमोर ही दरवाढ थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून मोदी सरकारला जाग आणण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत आवाज पोचला पाहिजे म्हणून आम्ही आज हे आंदोलन पुकारतो। वीज दरवाढाच्या संदर्भामध्ये माननीय मंत्री नितीन राऊत साहेबांनी एक निवेदन दिलेलं आहे। वीज दरवाढ कुठल्याही पद्धतीनं झालेली नाही। वीज चे दर निश्चित करण्यासाठी जी अथॉरिटी आहे ती अथॉरिटी दर निश्चित करत असते। 3 महिन्याचं बिल एकत्रित आल्यामुळे ती दरवाढ आपल्याला दिसून राहिलेली आहे। मात्र भारतीय जनता पक्ष जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करत त्यांना भूलतापा देण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष करून राहिलेला आहे। वीज दरवाढ कुठल्याही पद्धतीनं झाली नाही। जी दरवाढ झालेली आहे ती दरवाढ जे नियमन मंडळ आहे ते निश्चितपणानं करते। जदयू नेता राजीव रंजन का तेजस्वी यादव पर पलटवार, बोले घटिया राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी। राजद के दौर में बिहार में थी अराजकता, अगले चुनाव में हारेगी लालू की पार्टी। तेजस्वी जी, विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार की तरफ आपकी पार्टी और आपका अलायंस बढ़ रहा है और आप बेहद डरे हुए एक राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लाशों पर सियासत का आरोप हमारे दल और हमारे अलायंस पर आप लगाते हैं, लेकिन आपके परिवार का इतिहास इन्हीं लाशों पर सियासत करके 15 वर्षों तक बिहार पर राज करने का रहा है और जो कुकर्म उस दौर में हुए उसके लिए आप जितनी भी माफी मांगते फिर रहे हो, बिहार की जनता नरसंहारों के उस काले दौर, जातीय हिंसा, इलाकाई छत्रपों के कहर और
जो अराजकता और भ्रष्टाचार का महासंगम था उसको कभी भूल नहीं सकती है। और शायद इसीलिए आप लोगों को गुमराह करने के लिए अक्सर नए नए सिगुफों का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग को कराना है लेकिन केवल वर्चुअल प्लेटफॉर्म गालियां देने के लिए नहीं है, सकारात्मक तरीके से एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आपका और आपकी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से बिहार की जनता इस बार साफ कर देगी, इसलिए तरह तरह के तर्क और बहाने और घटिया आरोप आप बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में पतंजलि का सामान ले जा रहे ट्रक से विदेशी शराब बरामद, पटना ले जाने की थी तैयारी, अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी, पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया सहकार भवन का उद्घाटन, सीएम ने दिलाया भरोसा, किसानों के लिए वरदान साबित होगा भवन। चित्तौड़गढ़ से आज इस शुभ अवसर पर हमारे सहकारिता मंत्री जी खुद चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और वहीं से आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात चित्तौड़गढ़ के लिए यादगार रहेगी।